ओके जी जी वेलकम बैक। अच्छा जी, हमने मिस कुरतुलैन का जो कीवर्ड था उसको कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम टू वर्ड काउंट, ठीक है, 6000। अप्लाई फिल्टर्स, ओके, रिजल्ट आ चुके हैं अपना नाइफ शार्पनर्स, ठीक है। आई थिंक सेकंड वन इनका था, आगे एस लगा हुआ था, 33,000 है, यहाँ पे 33,964। ओके, क्रॉस मैच कर लेते हैं जरा, 33,000। अच्छा ठीक है, 10% डाउनवर्ड गया, बिल्कुल ठीक निकाला है, क्योंकि डाउनवर्ड गया है तो थोड़ा सा कम हो गया है। ओके, ये एक साल का ग्राफ 30 डेज में देख लेते हैं, सही है, 33,000 ही रहा है। ओवरऑल भी ना, मतलब कभी ज्यादा टाइम गंदा भी गया है, कुछ टाइम के लिए पीक पक भी थी इस सर्च वाली हमने, ठीक है। सर मेरी तरफ अजान स्टार्ट है, काइंडली आप अनम्यूट हो जाइए सर। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखिए, ये जीरो तक भी चला जाता है, कोई खास कीवर्ड नहीं है ये, मतलब इतना वो चार्मिंग नहीं है, ऑल टाइम के लिए तो नहीं है, 2019 से लेके होता ना, देखिए बिल्कुल इससे बिल्कुल लाके जीरो पे गिरता है, फिर थोड़े अरसे के लिए, फिर भी अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये मैक्सिमम भी अगर कभी गया है, ऑल टाइम का भी देखें तो मैक्सिमम भी ये 50,000 से ऊपर गया ही नहीं इसका सर्च वॉल्यूम, हालांकि सर्च वॉल्यूम 2-2, 3-3 लाख, 4 लाख तक भी जाता है, ठीक है, लेकिन आपको सेरिब्रो इस्तेमाल करना आ गया, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, ठीक है, आपका ये कीवर्ड था, ठीक है, ओके, गुड वर्क, प्रतिलेम, ठीक है। अच्छा जी, बाकी देखते हैं सवेरिया, ठीक हो गया, सबेरिया का कीवर्ड पिछले स्टोरेज, चलो इसको देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों का कसूर नहीं है, आप लोगों ने रैंडमली कीवर्ड उठाया है ना, इसीलिए सारे थोड़े से इस तरह कीवर्ड आ गए। बेसिकली क्योंकि कैसे है, अगली जो बातें आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ी अगले लेवल की हैं, तो ये आपकी मिस्टेक्स नहीं है, ये सिर्फ अगले लेवल की बात कही जा रही है कि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो ये चीजें हम देखते हैं, ठीक है। वो आप लोगों को अपनी वर्किंग में खुद ही फर्क नजर आएगा आगे जाके, कुछ इन स्टोरेज में देखें, ये भी आ रहा है, 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 ये भी नहीं होना चाहिए, कीवर्ड होता है या स्टोरेज कई तरह के, वो सारे डिजाइन हमें शो, ये आज वाली असाइनमेंट नहीं है, ये पीछे वाली खोल ली आज, कोई और इससे आगे वाली सबमिट करवाई है मैंने, ये नहीं, फर्स्ट असाइनमेंट ही सभी की चेक हो रही है आज पहले, क्योंकि लास्ट लेक्चर में नहीं हुई थी, इसके बाद हम सेकंड असाइनमेंट की तरफ आ रहे हैं। ये जिस तरह हमने फ्लावर्स और वो आर्टिफिशियल है किचन स्टोरेज, तो ये तो स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं हुआ, तो खिचड़ी सी पक जाती है, समझ नहीं आती कि एक्चुअली प्रोडक्ट कौन सी है जिसपे हम बिजनेस करने जाएंगे ना, तो इसलिए भी प्रॉपर एक जो पता लगे कि ये प्रोडक्ट है। अब किचन स्टोरेज में कई कुछ आ जाता है तो वो सब चीजें मिक्सिंग हो रही है। अच्छा, इस तरह लगेंगी लेकिन टोटल यूजफुल है ये हमारी बात है, आप इनको नोट करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, ठीक है। ये फिल्टर्स हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के सामने आप देखें कि मैंने सबके लिए एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है ना, कोई दूसरा इसमें वो नहीं है, हमने कोई और तरीके से नहीं, हालांकि ऐसे मुझे मिलता तो मैं डायरेक्ट सेरिब्रो पे आता, आपने वो थोड़ा सा गेप डाल दिया, इसीलिए फिर मुझे घूम के आना पड़ा, इसका ऐसे लेकर आना पड़ा, ठीक है। अच्छा, सेरिब्रो में ये 210 हमेशा कीवर्ड हम रिकमेंडेड करते हैं, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 6000 होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपका ये किचन 40,722 ऑर्गेनाइजर, एक जो है ना किचन ऑर्गेनाइजर, ये एक मेन कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही किचन स्टोरेज ये बड़ा कीवर्ड है, मतलब डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, अगर यही चीज इसमें होती तो यह थोड़ा सा आसान हो जाता, ठीक है जी।
जी हाँ, स्पेसिफिक कीवर्ड अगर मैं कहूँ इनमें से कौन सा होगा तो सब लोग जरा गौर कीजिएगा, फ्रिज स्टोरेज, मतलब समझ में आती है कि फ्रिज के अंदर कोई चीज अगर हमने स्टोर करनी हो तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो। अभी किचन स्टोरेज में देखें घी दाल बिस्किट ये वो कितना कुछ हम लोग स्टोर करते हैं और हर मतलब अलग 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 होती है वो, बहुत सारे उसमें आ जाते हैं वेरिएशन, तो इसलिए फिर स्पेसिफिक कोई होनी चाहिए कीवर्ड। चलें अब इसका कीवर्ड देखते हैं, अपना सर्च वॉल्यूम सॉरी 40,722 और मिस वेरिया ने क्या लिखा है 48,000 आपने जरूर देखना है, आपका क्लाइंट आपसे और ज्यादा मुतमईन होगा कि भाई ये तो एक एक चीज को देखता है या देखती है। ठीक है, जिसको नॉलेज होती है वही करता है, जिसको नहीं होती वो नहीं करता। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जी इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कोई बीए आके कहता है जी मेरे पास विनिंग प्रोडक्ट है और जी उसका ये कीवर्ड है, यहाँ पे लाके जब हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है आपने विनिंग प्रोडक्ट तो निकाल ली लेकिन जो ये इसकी पिछली कहानियां चलती आ रही हैं उसमें तो ये डाउनवर्ड जा रहा है तो इसको नहीं आपने वॉच किया, तो नॉर्मली बस यही है कि तोते की तरह रटे हुए होते हैं, ऐसे करना और ऐसे करना, मतलब डीप स्टडी करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को, वो नहीं किया जाता। आपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस नहीं करना, हिस्ट्री जरूर देखनी है कीवर्ड की। अब ये देखिए ये 2019 यहाँ से है, ठीक है, और करंट आपका यहाँ तक आया, ठीक है, ये ओल्ड ये करंट, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे जी। सर मेरा क्वेश्चन है, कोई भी अनम्यूट होके प्लीज आंसर करते, मुझे ये बताएं कि शुरू से जो इसका ट्रेंड आ रहा है, सर जरा स्टार्ट पे ले जाएं इसको मेंशन कीजिएगा, तो वैल्यू क्या आ रही है अपना 15,000, मुझे 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 बताएं कोई भी अनम्यूट होके, क्या ये गंदा ट्रेंड है या अच्छा ट्रेंड है, क्या हम इसको छोड़ देंगे या इसको हम अच्छा मानेंगे या लेके चलेंगे, एनीवन प्लीज। ये अच्छा ट्रेंड है मेरे ख्याल में क्योंकि 6,000 से कम अच्छा नहीं होता है ये। एक्सीलेंट रबिया अदनान थी और मिस सवेरिया थी, ठीक हो गया, गुड। कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो काइंडली बता दीजिए अभी। मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने कीवर्ड सही सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो जस्ट फ्लावर्स हैं, उसके साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए किस किस्म के फ्लावर। नहीं नहीं नहीं, आपने सर जो इस्तेमाल किया है, हम बेसिकली सेरिब्रो इस्तेमाल करना आपको सिखा रहे हैं, मेन कीवर्ड आप आगे जाके खुद निकालेंगे इंशाल्लाह। यहाँ आप यहाँ तक आपने 100% सही किया, ठीक है, यूजेज हम सिखा रहे हैं आपको टूल्स के जी। सेरिब्रो यूज करने का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक है, बट अब अभी की डिस्कशन के बाद सर उस्मान ये कह रहे हैं कि इनका कीवर्ड ठीक नहीं था, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ वो ठीक है, वो इट्स ओके, इट्स ओके, वो इट्स ओके, वो कोई बात नहीं, वो चेंज हो जाएगा, वो टेंशन नहीं। ओके सर, फटाफट से सेकंड असाइनमेंट की तरफ चलते हैं कि वहां कैसा हुआ है, जरा एक नजर उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट असाइनमेंट हो गई, अब सेकंड असाइनमेंट है जी, राबिया अदनान की असाइनमेंट नंबर 2। ओके, Amazon का लिंक है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ये पैटर्न फॉलो किया करें सब लोग ताकि हमें फटाफट चेकिंग करने में आसानी हो, ठीक है। जबरदस्त, वेरी नाइस, ये आपकी शीट। अच्छा जी ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट इन्होंने बहुत अच्छा लिया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सीलेंट, मतलब टॉप 10 इन्होंने कैप्चर किए हैं। ब्रांड की अगर बात की जाए तो ठीक है, ये जो बेवॉस करके कोई ब्रांड है ये दो दफा बैठा हुआ है तो ठीक है, क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, हमने कहा था 3 मरतबा से ज्यादा कोई आएगा तो लीव कर देंगे, एक्सीलेंट, ये कॉलम इनका सेट है। प्राइस की अगर बात की जाए तो 10, 18, 16, 39, 9, 14, 22, 21, 22 एक्सीलेंट, प्राइस इज ऑल्सो गुड। ओके, रेवेन्यू की बात की जाए तो 38% 15,000 1% 11,000 3% 13,000 4% एंड ये जो 12,000 वाला है ये पांचवा
और ये 7,000 वाला है ये छठा हो गया, मतलब 6 लोग जो हैं 5,000 से ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। एक्सीलेंट, मतलब ये चीज भी क्राइटेरिया को मीट कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। रेटिंग की अगर बात की जाए तो हमने कहा था 4.2 से कोई कम ना हो, तो यहाँ पर 1% कम है तो इट्स ओके। हमने कहा था 3 लोग गंदी रेटिंग में फिर भी चल जाते हैं तो ठीक है, गुड टू गो। रिव्यूज काउंट की अगर हम बात करें तो 137 1% हो गया, जो 200 से कम रिव्यूज लेके बैठा है, और 3 रिव्यूज लेके 1% बैठा है दूसरा हो गया ये, और 121 3rd% हो गया, और 74 वाला जो है ये 4% हो गया, 86 वाला 5th। ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो गई, मतलब 6 लोग ऐसे हो गए जो 200 से कम रिव्यूज लेके बैठे। एक्सीलेंट, यहाँ तक बिल्कुल मीट करता है। अच्छा जी, आप थोड़ा सा मैंने उस दिन भी समझाया था, आप इसको ब्लर कर दिया करें, इसको जो है ना काट दिया करें, ठीक है। अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं, देखिए आप जब निकालेंगे ना विनिंग प्रोडक्ट, आपकी ये प्रोडक्ट चोरी हो सकती है, ठीक है, चोरी होने नहीं देनी, क्योंकि ये हमने $200 में मार्केट में जाके बेचनी है, हमारी मेहनत है, ठीक है। अब आप सभी की जो मेहनत है ना सर, वापस प्लीज जाइएगा, सब लोग इस चीज को नोट कर लें कि ये जो प्रोडक्ट डिटेल है ये, और ये जो SN नंबर है ये वाला कॉलम, और ये जो ब्रांड नेम है, इसको आप या ब्लर कर दिया करें या आप इसको कैप्चर ना किया करें, मतलब सेकंड असाइनमेंट से आप लोग इसको कैप्चर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस आपके यूट्यूब पे भी जानी है, ठीक है। यहाँ पे हम सभी मतलब एक दूसरे की प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो ये चीज ऐसे लीक आउट हो सकती है। ओके ओके, मेरा एक सवाल है जी, जी। ये जो आप फरमा रही हैं कि हम इसको ब्लर करते हैं या इसको कैप्चर ना करें, अगर हम किसी क्लाइंट को दिखा रहे हैं तो तब हम इसको कैप्चर ना करें, या जब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं तब कैप्चर ना करें, और कैप्चर ना करने की क्या रीजन? जी मैं बताती हूँ सर, आपको हम बिल्कुल ऐसे गाइड कर रहे हैं जैसे आपने आगे जाके क्लाइंट के साथ डील करना है। आज आपकी ये पहली असाइनमेंट थी, इसलिए पूरा स्क्रीनशॉट आना बिल्कुल जरूरी था। अब मैं इसको कैप्चर ना करने की वजह आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप अपने क्लाइंट को एज इट इज ये प्रोडक्ट दिखा देते हैं और आप उससे डिमांड करते हैं, सर ये मेरी विनिंग प्रोडक्ट है, मैं ये आपको $150 या $200 में बेचूंगा, अच्छा वो देख के आपको कह देता है कि जी मुझे तो पसंद नहीं आई, लेकिन वो इतना सियाना होगा वो कहेगा ये कटलरी सेट, अच्छा ये कीवर्ड है इनका, ओहो ये तो बस अब मुझे मिल गया। उसको असल चीज है कीवर्ड, ये देखिए कटलरी सेट लिखा हुआ है आपका, आपका कीवर्ड ही आपकी पावर है, ठीक है, ये लीक आउट कहीं से भी नहीं होना चाहिए, सारी गेम कीवर्ड की है। इसलिए प्रोडक्ट डिटेल वाला कॉलम छुपाना इसलिए जरूरी है कि इसमें कीवर्ड है, एसएन नंबर आपका छुपाना इसलिए जरूरी है कि अगर उसने एसएन नंबर यहां से देख के अमेज़न पे जाके टाइप कर लिया तो एज इट इज आपकी प्रोडक्ट उसके सामने आ जाएगी और वो कीवर्ड तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात हो गई, ब्रांड वाला कॉलम आपने इसलिए छुपाना है कि वो ब्रांड लिखेगा जाके, ठीक है, बाकी आगे आपकी प्राइस और ये वो सारी चीजें उसको मिल गई, वो इनके मुताबिक बेवॉस की जो प्रोडक्ट होगी ना, इस प्राइस वाली और इतनी सेल्स वाली और इतने रेवेन्यू वाली, आराम से वो उस तक पहुंच जाएगा और आपकी प्रोडक्ट गई आपके हाथ से। अच्छा मैम, एक सवाल और है, सपोज करते हैं कि हम किसी क्लाइंट के लिए कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जो अपनी वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, हम तब भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे? आप बस ये जो डिटेल आपको छुपाने के लिए कहा है इसको छुपा के बाकी सारी डिटेल आप उसको देंगे कि जनाब उसकी ये प्राइस है, आप उसकी ये सेल है, ये उसका रेवेन्यू है, इतने उसमें कंपेटिटर हैं, ये सारी हिस्ट्री आपने उसको प्रोवाइड करनी है। बस नहीं पता चलना चाहिए तो कीवर्ड वाली कहानी नहीं पता चलनी चाहिए जब तक वो पैसे नहीं दे देता। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, जब क्लाइंट के साथ आपकी डीलिंग होती है ना तो शर्तें जो है वो पहले मुकाई जाती है, ठीक है, या तो वो आपको सैलरी ऑफर करे, ठीक है, $300 से लेकर $500 महीना आपको वो दे, ठीक है, और एडवांस होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात, फिर तो आप इनसे जो चीज वो मांगे आप उससे दे दे, ठीक है, क्योंकि आपने सैलरी पहले ले ली है। अगर वो कहता नहीं जी 10-13% आप मुझसे ले लें, ठीक है, काम आप करें, बोले जी वो ठीक है, सारा ठीक है, लेकिन मुझे वो क्या वो है, आप मुझे बाद में पैसे ना दें तो आप मेरे से कम अज कम वो एग्रीमेंट तो करें ना, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान में रहते हैं, एग्रीमेंट की भी कोई ज्यादा वो खास वो है नहीं, अहमियत है नहीं, हम उसके लिए उसको कोर्ट में जाके बैठ के उसको ढूंढेंगे क्या,
वो हमारी सैलरी दे दे, ठीक है, तो उसको बोले सर आप कुछ पेमेंट मुझे कर दे, बाकी आप भले एग्रीमेंट कर दे, ठीक है, अगर वो सारी चीजों पे अगर वो वाकई जेन्युइन आपका क्लाइंट है, आप आपके साथ मुखलिस है, तो वो जो चीज आप बोलेंगे वो करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। टूल वो टूल भी वो आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो आपको जो है वो इतना वो सैलरी प्रोवाइड नहीं करा, जब आप वो सैलरी प्रोवाइड करेगा तो फिर टूल वूल सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी, फिर आप उनके साथ शेयर करें, ठीक है, क्लियर, समझ आ रही। अगर हम उसको स्टार्ट में पूरे पैसे लिए बगैर हर चीज दे देंगे वो तो हमें चंडी करा के भाग जाए। जी एग्जैक्टली, मे बी पॉसिबल है, जी ट्रस्ट वाले लोग भी होते हैं लेकिन हम ट्रस्ट करते नहीं है। हाँ नहीं नहीं, इस फील्ड में क्या किस चीज का ट्रस्ट, वही ये एक कीवर्ड है वो चला गया तो फिर आपका काम ही खत्म, यही खत्म हो गया, वही ना, वो खुद ही ये बन गया बैठा हुआ। जी वो तो कह देगा कि मुझे आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, कीवर्ड तो वो जो उसने हासिल कर लिया वो जाएगा अपने अकाउंट पे, इसको मीटू करके बैठ जाएगा या मंगा के बैठ जाएगा, ठीक है। खैर हम पीएल की बात कर रहे हैं तो ये मीटू तो नहीं करेगा, ये बेसिकली पीएल लॉन्च करेगा इस प्रोडक्ट को। जी गुड हो गया, ओके अच्छा जी, अच्छी प्रोडक्ट थी, कौन थी ये, क्या नाम है इनका, राबिया, राबिया राबिया, माशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम सीख रही है, बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा राबिया अदनान, ये आपको कितने टाइम में मिली है, थोड़ा टाइम आप मेंशन करेंगी? मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ी, मुझे वो सर की बात याद आई थी कि अगर आपको सब कुछ बड़ा टाइमली मिल जाता है तो आप बहुत लकी हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था तकरीबन 35-40 मिनट्स में। अच्छा अच्छा एक बात सब लोग सुन ले, जिस पर्सन को एक विनिंग प्रोडक्ट मिलती है ना उसको बार बार भी मिलती है, इसलिए खुद को आपने पहचानना है कि आप किस स्किल में फिट बैठते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम पे ट्रेनिंग ले रही थी, बिलीव मी मैं रो पड़ती थी, रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे 6 महीने तक एक भी प्रोडक्ट नहीं मिली थी, बिलीव मी। मेरा हाथ जो सेट हुआ वो होलसेल पर हुआ, ठीक है, लिस्टिंग में हुआ, मतलब मैंने खुद को पहचाना, मैंने कहा वो कर रहे हैं मैं नहीं कर रही, मैंने इन चीजों से निकल के खुद को ये समझाया कि जो मैं कर सकती हूँ मैंने उसको पकड़ना है, ठीक है। आप लोगों में से भी ऐसे ही होंगे, कुछ लोगों का प्रोडक्ट हंटिंग पे टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन फिर भी नहीं मिलेगी, कुछ को फौरन मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना, अभी पूरी जर्नी पड़ी है, बहुत कुछ है आगे सीखने को, खुद को पहचानना है कि हम कहाँ पे फिट बैठ रहे हैं। ओके आगे सर उस्मान की असाइनमेंट है, फोकस कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आप ये समझ ले पार्टी में आ गए आप, ठीक है, अब केक कट गया है, अपना अपना आपको हिस्सा मिलेगा, अब जिसको जो हिस्सा मिले, ठीक है, बिल्कुल ओके। अच्छा जी स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है चलो ओके। वेरी नाइस, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, बहुत मैटर करती है भाई। कीवर्ड है इनका ऑर्गेनिक डॉग फूड। अच्छा असाइनमेंट के लिए तो ठीक है सर, बट आइंदा के लिए ना ये आपने बिल्कुल छुपा लेना है अपना कीवर्ड, कीवर्ड तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। क्राइटेरिया भी मेंशन किया है कि इस क्राइटेरिया को फॉलो किया है, जबरदस्त। और ये मैंने आपका लेक्चर जो था उसकी दोनों स्लाइड्स सुन के फिर ये टाइप किया था, फिर इसमें ऐड किया, जबरदस्त। ये वैल्यू ऐड होगी फिर तो। जी बिल्कुल, आप जो है ये तो आपको याद होगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि आपने बहुत देर बाद क्राइटेरिया सेंड किया, उससे पहले मैं सबमिट करा चुका था। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा लिखने से आपको जो है ना फिर हमेशा के लिए याद हो जाता है, सही है, लिखने से 70% किसी और को पढ़ाने से 100% याद हो जाता है हमेशा, ये चीज है, ठीक है। फटाफट से लिलीज किचन, ये जो लिखा हुआ है एज गार्ड, ठीक है, ये 2 times आया हुआ है, ठीक है, बाकी लिलीज किचन भी 2 times आया हुआ है, ठीक है, मतलब 3 दफा से ज्यादा कोई भी नहीं है, एक्सीलेंट, ठीक हो गया। अच्छा प्राइस की अगर हम बात करें तो 13, 19, 22, 14, 21, 21, 14, 10, 15, अच्छा ये 6 काफी कम हो गई है, 8 से कम हुई, ये एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस कम है, कोई बात नहीं, इतना चलता है, इट्स ओके, एक आधी की हो जाती है, ओके गुड हो गया। आगे हम रेवेन्यू की अगर बात करें तो 22,000 1%, 91,000 2%, आगे 16,000 3%,
37,000 फोर्थ हो गया, और ये 189 वाला फिफ्थ परसेंट हो गया, और ये 12,000 वाला छठा। मतलब इस क्राइटेरिया में 6 लोग हैं जो 5,000 से ज्यादा रेवेन्यू लेके बैठे हैं। ठीक है, एक्सीलेंट। मैम इसमें एक बंदा जीरो पे भी बैठा होगा, उससे फर्क तो नहीं पड़ता। सर बैक कीजिएगा, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। ये जो जीरो वाला है इसके सामने नॉट अवेलेबल भी लिखा हुआ है। जी सर, ये नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल बहुत हो रहा था ग्रुप में, इस पे काइंडली थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ओके, नॉट अवेलेबल। अब देखिए इसमें सारी चीजें आ रही हैं, सिर्फ एक चीज नहीं आ रही। ठीक है, अब मैं सिर्फ सेल्स पे ही आ रहा है। ठीक है, बाकी चीजों पे देखिए बीएसआर भी इसका कोई 30,000 है कोई। ठीक है, और इसको 4 बंदे मीटू करके बैठे हैं। ठीक है, और रेवेन्यू भी जीरो ले रहा है। हाँ, रेवेन्यू भी जीरो है। ठीक है, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये आ रहा है कि ये न्यू लिस्टिंग है। ठीक है, अगर ये पुरानी लिस्टिंग होती, 1 महीने 2 महीने कम से कम भी 6 महीने पुरानी लिस्टिंग होती, तो इसको कुछ ना कुछ तो सेल मिली होती, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो समझ लें कि वो हनीमून पीरियड होता है अमेजोन पे जो है इसका, कोई भी न्यू सेलर आता है तो। ठीक है, बाकायदा ये अल्फाज यूज किया गया है अमेजोन की तरफ से। ठीक है, तो ये इसको फर्स्ट मंथ में तो लाजम इसको सेल मिलनी थी, तो ये बिल्कुल ही न्यू सेलर है। ठीक है, तो आप इसको अब जाहिर सी बात है कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखेंगे इसको, इसको हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये इसको 1 महीना भी हुआ है, इसको अभी एक भी सेल नहीं नजर आ रही, जब तक आप लॉन्च करेंगे तो ये तो कम से कम 500-600 रिव्यूज और रेटिंग पे बैठा हुआ होगा, तो ये आपका कॉम्पिटिटर भी बन सकता है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बस एड हुआ हुआ इट्स ओके, प्रोडक्ट सेम है तो ठीक है, अदरवाइज प्रोडक्ट ही कोई और है तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है इसको हटाना। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे मैंने एक बात, जी कोई क्वेश्चन है? जी जी मैम, ये पूछना चाह रही थी, तो फिर उस, उनको यानी कि जो नॉट अवेलेबल है, जो न्यू है सेलर, तो उसको हम काउंट करेंगे? जी बिल्कुल काउंट करेंगे, क्योंकि वो बैठा हुआ ऑलरेडी। अगर ये पूरी लिस्ट में इन्हें आ रहा है फिर तो टूल का ग्लिच है। अगर टूल का ग्लिच, हाँ ये चीज जरा, दूसरी चीज अगर एनए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है रेवेन्यू आ रहा है, फिर भी टूल का ग्लिच है। ठीक है भाई, एक चीज आ रही है, एक क्यों नहीं आ रही, तो टूल का ग्लिच है। ठीक है, पुराना भी सेलर है। जी मैडम। जी सर, दूसरा सिनेरियो में ये होता है कि हम कंसीडर किस सूरत में नहीं करते, जब हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है एनए, अभी तो सिर्फ स्क्रीनशॉट है ना, आप डायरेक्ट चले जाते हैं अमेज़न पे, ठीक है वहां जाके इस सेलर की आप लोग हिस्ट्री वगैरह चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है, अगर वहां पे भी इसकी कोई चीज हमें नहीं समझ में आती फिर हम इस तरह के सेलर्स को कंसीडर नहीं करते। अगर ये वहां पे इसकी प्रॉपर लिस्टिंग हुई हुई है, प्रॉपर इसके वो रिव्यूज एंड रेटिंग सब कुछ शो हो रहा है, देन फिर आप इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, फाइनली इसको चेक करने का ये तरीका है कि आप इसको अमेज़न पे ओपन कर लेते हैं क्लिक करके। मजीद आप ये सीखेंगे, भी बहुत सारी चीजें हैं आपको। अच्छा सर, एक चीज इधर मैंने और मेंशन करनी थी कि आपने क्रॉप इसको भी करना है, ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना आपका सर्च वॉल्यूम 153, और इसके नीचे ये जो ब्लॉक्स आ रहे हैं टोटल रेवेन्यू एवरेज प्राइसेस, यहाँ से भी जो बड़े खिलाड़ी बैठे हुए होते हैं ना मार्केट में, वो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि एक्चुअली ये कीवर्ड है कौन सा। ठीक है, तो आपने जो है जी इसको भी हाइड रखना है, क्रॉप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसको कैप्चर ही ना किया करें, स्नाइपिंग टूल से जब आप लेते हैं ना, इसको कैप्चर ही ना किया करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम रेटिंग की बात करें तो 4.6, 4.7, 5, 7, 3, 6, एक्सीलेंट, मतलब कोई भी 4.2 से कम नहीं है, गुड रेटिंग्स। अच्छा, रिव्यूज काउंट की अगर हम बात करें तो 96 पहला पर्सन, 109 वाला सेकेंड पर्सन। सर इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, 17 वाला थर्ड पर्सन, 12 वाला फोर्थ पर्सन, और ठीक है, मतलब 4 लोग ऐसे हैं जो 200 से कम रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं, गुड इनफ। अच्छा जी, ये क्राइटेरिया को यहां तक तो मीट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट निकाली है, एक्सीलेंट, जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त। मैंने पहले जो अपना कीवर्ड सेलेक्ट किया था ना, वो मैंने उसी फ्लावर से रेलिवेंट आर्टिफिशियल फ्लावर विद पॉट किया था, उसके बाद मैंने काफी कुछ सर्च कर लिया, लेकिन जहाँ पे ये प्राइसेस थी ना वहाँ पे आके फिर वो क्राइटेरिया मैच मैच दिखा रहा था। फिर मैंने उसको देख
इग्नोर कर दिया, फिर मैंने आगे देखा जहाँ पे ये रेटिंग थी वहां की रेटिंग भी कम थी, इसलिए मैंने फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया, फिर एक ये नया कीवर्ड सर्च करके फिर इसके हिसाब से। तो सर आपको आपको सर कितने टाइम में मिली ये प्रोडक्ट? ये तकरीबन पहली वाली जो थी ना पहले कीवर्ड के हिसाब से मुझे 35-40 मिनट लगे थे, उसके बाद फिर सेकंड के लिए फिर मुझे अगेन कुछ 40 मिनट लगे थे, और मैंने उससे पहले ये लेक्चर दोनों पूरे पूरे सुने थे, क्योंकि जाहिर है वो मैंने प्रेजेंटेशन भी देखी थी कि वो किस तरह बनती है, तो आप यूं समझ लेंगे 2-2.5 घंटे लग गए। सही सही, मतलब उस रात आप लेक्चर के बाद ये अपना होमवर्क ही कंप्लीट करते रहे कंटीन्यूअसली, आपने इसको सबमिट किया? आप भी जो है ना प्रोडक्ट, हां जी कल ही किया मैंने, सारा दिन लगाया उसके ऊपर, समझे 2-2.5 घंटे तो लगाए हैं आराम। अभी अभी दो स्टूडेंट्स के हमने देखे, दोनों में आपको ये कहना चाहूंगा आप खुद को प्रोडक्ट रिसर्च पे जरूर रखिएगा, क्योंकि आप दोनों को जल्दी ही मिली है प्रोडक्ट, आप दोनों प्रोडक्ट लिए प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जरूर बनाए गए हैं, इसको मजीद निखार कीजिएगा, ठीक है आगे जाते हैं। मशहूर प्रोडक्ट हंटर्स बन सकते हैं, मार्केट में नाम बनाना के लिए भी आपको टाइम लगता है, तो सही है। अच्छा और किसने सबमिट करवाई है यही वाली असाइनमेंट अपना? आसिया गन, आसिया गन, ठीक है लिंक ओके कैन वॉट, सही है। ठीक है आसिया आपको भी मैं यही कहूंगी ऊपर वाला हिस्सा आइंदा आप कैप्चर नहीं करेंगी, ठीक है। और ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ जी ये 9 क्यों है, ये 10 होनी चाहिए थी, एक तो ये मिस्टेक है, दूसरा ब्रांड की अगर हम बात करें तो ये 2 मरतबा है, ठीक है ये 3 टाइम्स आ गया, ठीक है। अभी देखिए आसिया 10वां अगर कैप्चर आपने किया होता मे बी वो इनो जियर ही हो, तो इसलिए एक तो ये डिसीजन नहीं ले पा रही मैं। सर प्राइसेस नहीं देखी अभी उसकी, अच्छा इधर भी नो है मैम, नीचे है 10 मैम, मैंने बस 15 मिनट्स पहले ही ये सबमिट किया है क्योंकि मेरे साथ बहुत इशू था टूल्स का, ये भी नो है। नहीं नहीं कैप्चर करने में प्रॉब्लम हुआ आपको, मैं कह रही हूं 10 आपने कैप्चर करने थे, मैंने सेकंड में किया शायद, बहुत जल्दी जल्दी मैं बस के एटलीस्ट सबमिट करवा दूं। इट्स ओके अच्छा चलिए जी आगे मैडम देखें जी। सर प्राइसेस वाला आप प्लीज दिखाइएगा, मैं प्राइसेस देखना चाह रही हूँ जी, जरा यहाँ पे स्टॉप होइएगा जी। प्राइस है 14, 19, कोई अनम्यूट है काइंडली म्यूट करें खुद को, 14, 19, 17, 26, 14, 24, 9, 19, 16 ठीक है प्राइस ठीक है। और रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 9000 एक परसेंट, 17000 दूसरा परसेंट, 18000 तीसरा परसेंट, 8000 फोर्थ परसेंट, 10000 पांचवा, 8000 छठा और 7000 सातवा, 14000 मतलब 8 लोग ऐसे हैं जो 5000 से ज्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं। एक्सीलेंट ठीक है रेवेन्यू बहुत अच्छा है, आगे चलते हैं। रेटिंग रेटिंग एक बंदा है जो 4.1 ठीक है इतना चलता है ठीक हो गया। रिव्यूज काउंट की अगर बात की जाए तो 57 वन पर्सन और 170 सेकेंड पर्सन और 78 थर्ड पर्सन ठीक है, मतलब 3 लोग कम से कम भी 200 से कम रिव्यूज लेके बैठे होने चाहिए तो वो मीट हो चुका है ठीक है, यहाँ तक कम्प्लीट है ओके ठीक है सर। अच्छा है लेकिन कम्प्लीट जो है ना आप ये रखें, अच्छी कोशिश है आपकी, थोड़ा सा टाइम दें इसको, ये बिल्कुल भी इतनी क्विक चीजें करने वाली नहीं है, बहुत टाइम एक्चुअली इसलिए लगा है क्योंकि टूल्स बहुत इशू कर रहे थे, इवन के सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना पड़ गया मुझे। ठीक है लेकिन टाइम दें थोड़ा सा इनको अच्छे तरीके से, अच्छी कोशिश है वेरी नाइस सर। टूल का तो वाकई काफी इशू हुआ जी जी जी, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से। जब आपके साथ ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने मैडम शमशा को रिक्वेस्ट की थी, उनको अपनी एनी डेस्क की आईडी दी थी, उन्होंने दोबारा मेरे सिस्टम पे आके वो चला के दिया, चल ही नहीं रहा। जी 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 सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अच्छा जी अंबर जी भी हैं ओके, मैंने नहीं जमा कराई। अच्छा जी तो जबीन आपकी असाइनमेंट
नहीं नहीं मेरी असाइनमेंट नहीं हुई, वो टूल्स का बहुत इश्यू था, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, मैं तो सुबह से बैठी हुई, मुझे रात भी हो गई लेकिन मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैम मैं कर रही थी सुबह से, लेकिन हमारी तरफ ना लाइट चली गई थी, उसके बाद जब मैं जब लाइट आई दोबारा स्टार्ट करने लगी, फिर टूल्स प्रॉब्लम करने लगे, फिर मैम शमसा ने आकर उनको सेट किया है। अलीजा का भी नहीं है? अलीजा का आई थिंक लैपटॉप खराब था, वो ठीक होने दिया, बट इन्होंने मुझे पर्सनली बताया है, इस वजह से ये नहीं बना पाई है। मैम एंड द मोमेंट तो मैंने आपको भी मैसेज कर दिया कि अगर मैं सबमिट ना करवा सकूं तो एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एंड टाइम पर हो गया सब। यानी मैम ये पूछना था कि नॉट अवेलेबल आ रहा हो अगर, तो सेलर को हम उसको काउंट नहीं करेंगे ना, वो सॉरी सेलर को काउंट करेंगे, ये मुझे जरा इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है अभी भी। उसको काउंट करेंगे जैसा कि सर ने आपको बताया जी, लेकिन मजीद ये कि आप उसको ओपन करेंगे अमेज़न पे, ओपन तरीके से हाँ जी, और देखेंगे क्या वो वाकई हाँ जी अमेज़न पे मौजूद है, उसकी लिस्टिंग और पिक्चर्स ये वो सब कुछ बुलेट पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, उसके बाद फिर आप उसको देखते हैं इसको काउंट करना है या नहीं। ओके मिस कुरतुलैन, अच्छा पहली मिस्टेक मिस कुरतुलैन, आपके आइकन्स बहुत छोटे हैं, आप कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा इसको आइकन्स को बड़ा किया करें आइंदा के लिए, और स्क्रीनशॉट को क्रॉप करें, ये जो साइड का ये देखें व्हाइट अमेज़न वाला हिस्सा है इसको आप क्रॉप कर देती हैं, देखें इसने खामखा की जगह घेरी हुई है, ऊपर से वो जो आपकी विंडोज की एक्स्ट्रा पिक आई हुई है वो भी नहीं आनी चाहिए, एग्जैक्ट उतना ही पार्ट दिखाइए जितना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा क्रॉप आपसे हुई क्यों नहीं है ये मैं पूछना चाहूंगा, और स्नैपिंग टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं ये पूछना चाहूंगा। इन्होंने बटन के थ्रू लिया हुआ स्क्रीनशॉट। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने स्नैपिंग टूल से लिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं ऐसा नहीं करूंगी। एक्चुअली मैं ये चाह रही थी कि तमाम चीजें आ जाए कि मैंने सर्च कीवर्ड क्या डाला था और रिजल्ट क्या आया कि 1000 से अबव था या लेस है, तो मैं ये चाहती कि तमाम चीजें उसके अंदर दिख जाए। मैंने स्निपिंग टूल से लिया, प्रिंट स्क्रीन से नहीं लिया है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज का ख्याल रखूंगी कि ऐसा नहीं करूंगी। नहीं, मैं पूछने का मकसद है कि आपको आता है या दोबारा मैं रिपीट कर दूं उसको? नहीं 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 सर आता है मुझे, मैंने बस एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखा। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी ठीक है, 10 मैंने काउंट कर लिया है, ये तो आपने स्टेप बिल्कुल ठीक किया। ब्रांड की अगर बात की जाए अमेज़न डोमिनेशन है सर, अमेज़न अभी इनको नहीं सिखाया गया इसलिए अमेज़न पे अभी हम बात नहीं कर सकते। ओके अच्छा मैम एक और चीज के इनको जो हमने भेजा था ना फोटो जिसपे क्राइटेरिया लिखा हुआ था उसपे मैंने अमेज़न डोमिनेशन की भी बात की है जी, बोलिए आप। सर एनए वाले जो था हमने ग्रुप में आपसे पूछा था कि सर एनए बहुत सारे आ रहे हैं, तो आपने कहा था कि आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जाके अमेज़न पर सर्च करें और दोबारा एक्सरे रन करें उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, अगर वहां पे भी अगर वो एनए है तो इसका मतलब है कि टूल्स का इशू नहीं है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट या वो सेलर ही नहीं हुआ है, तो मैंने ऐसा किया था ये सेलर ही नहीं हुआ, मैंने इसमें 2 से 3 के साथ ऐसा किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये देखिए ना ये रेटिंग आपको दिख रही है 4.8 रेटिंग है, ये कैसे न्यू सेलर हो सकता है, 4.8 रेटिंग बहुत है, और ये देखिए रिव्यू काउंट 57,000 इसकी रिव्यूज आए हैं, इसकी सेल्स भी ठीक ठाक होगी, इसकी सेल्स भी ठीक ठाक होगी, नहीं नजर आ रही कोई बात नहीं, ये टूल कर दिए ठीक है। बिल्कुल इस चीज को सब लोग क्लियर समझे कि जब इतनी सारे कॉलम्स में एनए 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 लिखा हो तो इतना पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोग नॉट अवेलेबल, तो ये फौरन समझ जाया करें एक सेकंड के अंदर ये टूल में आपके ग्लिच है। अच्छा तो फिर इसके लिए मैम क्या किया जाए, फिर थोड़ी देर बाद इसको करें या जिससे आपका टूल प्रोवाइडर है उससे बात करें? आपको 3 अकाउंट जो दिए गए हैं ना आप उसको फटाफट से पहले खुद लॉगिन करें, जब आपसे मसला सॉल्व ना हो तीनों अकाउंट्स पे अगर आपको ये एनए एनए दिखा रहा है देन आप स्क्रीनशॉट लेके टूल प्रोवाइडर के पास चले जाएं कि मैंने अपनी सारी एफर्ट्स लगा ली, अब आप देख लें इसको क्या इशू है। ओके मैम, के बाद फिर आपको एक और भी टूल दिया जाएगा जो आप सीखेंगे आगे जाके
जनरल स्टॉक उसको भी आप रन करके इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और इसके डेटा में उसमें डेटा में जमीन आसमान का फर्क होता है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके सर, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये ब्रांड सर, जस्ट लुक एट प्राइस, ओ हो हो हो, अपना कुरतुल ऐन ये क्या किया, 599 pounds, कौन बेचेगा यहाँ पे। मतलब हमने क्राइटेरिया में लिखा है 8 pound मिनिमम एंड मैक्सिमम 40 pounds। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि कुरतुलन ये जो है, ये प्रोडक्ट ये इसकी है ही नहीं, ये प्रोडक्ट ही अलग है, ये इसको आपने डिलीट करनी थी। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, मैंने जो है ना असाइनमेंट जो सबमिट किया है, मतलब जो मुझे समझ में आया था सबमिट करने में, मुझे ये था कि उसके अंदर से कोई एक होगी जो हमारे काम की होगी। नहीं, मतलब इसके अंदर से कोई एक है जिसके जो है ना वो प्राइस रेंज और तमाम चीजें हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, तो इस वजह से मैंने ये स्क्रीनशॉट सबमिट किया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आप देखें, अब आप देखें।